क्लास टेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिस्टेंस. ठीक है, तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? तो हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 5, दूसरा हमें लास्ट टर्म दैट इज एल इज इक्वल टू 45, थर्ड हमें गिवन है एस एन इज इक्वल टू 400. ठीक है, तो और हमसे वो पूछ क्या रहा है? हमसे वो पूछ रहा है एन की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, तो देखते हैं. अब नाउ एज वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस एल, ये होता है, मेरे को ए भी गिवन है, एल भी गिवन है और एस एन भी गिवन है. तो अगर मैं ये क्वेश्चन यूज करता हूँ तो क्या बनेगा? 400 इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू 5 प्लस एल की वैल्यू क्या गिवन है? 45. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? इसके इक्वल आ गया एन बाय टू इंटू 50 और इधर क्या गिवन है? 400. तो ये जीरो से ये जीरो कट गया और 5 से ये गया 8 पे, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई? 16. चलो मेरे पास एन तो आ गया, वेल एंड फाइन. ठीक है, अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस देखने के लिए मैं ये लास्ट टर्म देखता हूँ. नाउ we know that a n is equal to a plus n minus 1 b. ठीक है, अब ये लास्ट टर्म जो है ये 16th टर्म है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि a 16 क्या गिवन है मेरे को? l के इक्वल है, दैट इज 45 और ये किसके इक्वल आएगा? 5 प्लस 15 इंटू d, इसके इक्वल होगा. तो यहां से क्या आ गया? 15d इज इक्वल टू 40, तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ गई? 40/15. सो मैंने 5 पे कट किया, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 8/3. ठीक है, तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई, यही हमें निकालना था.